दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय सारे के सारे कंटेस्टेंट जो है अविनाश मिश्रा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अविनाश मिश्रा की चोरी जो है वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अविनाश और विवियन ने श्रुतिका के साथ में प्रैंक किया था और उसकी एक चम्मच कॉफ़ी एक डिब्बे में पड़ी थी, उसको ले जाकर छिपा दिया, जिसके बाद में श्रुतिका ने जो है घर के अंदर काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि अविनाश ने श्रुतिका की कॉफ़ी लौटा तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर के अंदर अविनाश ने श्रुतिका के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि श्रुतिका चोर है, उसने घर वालों की कॉमन राशन में से कॉफ़ी छिपाई है। लेकिन श्रुतिका ने साफ तौर पर घर वालों के सामने बोल दिया कि देखो, मैंने कॉफ़ी छिपाई नहीं है और ये मैंने चोरी करके नहीं ली है, ये जब बग्गा जी जेल में थे तब मैंने बग्गा जी से कॉफ़ी ली थी, उन्होंने मुझे 3 चम्मच कॉफ़ी दी थी क्योंकि मैं बार बार उनसे कॉफ़ी मांग रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक साथ 3 चम्मच ले ले, जब तेरा मन करे तब तू पीते रहना, और मैंने वो अपने लिए बचा कर रखी हुई है और मैं जब मन करता है तब थोड़ी बहुत इसमें से निकाल कर पी लेती हूँ। लेकिन अविनाश का ये मानना था कि ये चोर है और इसने चोरी की है। वहीं दोस्तों, इतने में यहाँ पर सारा आ जाती है और सारा कहती है कि खुद तो साला चोर है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है, खुद ने कितना सामान चोरी करके रखा, अभी इसका बैग संभालोगे तो कई आइटम निकलेंगे इसके बैग से चोरी के। जिसके बाद क्या था, अविनाश ने बोल दिया कि जाओ चेक कर लो मेरा बैग, अगर किस कुछ मिले तो निकाल लो। और यहाँ पर सारे के सारे कंटेस्टेंट जो है वो वॉशरूम एरिया में, लगेज एरिया में आ जाते हैं, वहाँ अविनाश के बैग की तलाशी शुरू करते हैं। और अविनाश ने पहले ही कह दिया कि मेरे पास एक दो सामान निकल सकते हैं। और जैसे ही अविनाश का बैग खोला गया तो सबसे पहले यहाँ पर शुगर फ्री का जो डिब्बा होता है वो निकल गया। और ये चीज़ देखकर घर के अंदर सब लोग काफ़ी भड़क गए और बोला कि ये दूसरों को चोर बोलता है और खुद सबसे बड़ा चोर है, घर का आधा राशन तो इसके बैग में मिल जाएगा। और इस बात को लेकर घर के अंदर काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर घर वालों ने ये तक कह दिया कि अब सबके बैग चेक किए जाएंगे और सबके बैग चेक करो, सबका जितना भी सामान पड़ा है अंदर राशन का बैगों में वो बाहर निकालो, कॉमन राशन छिपा कर रख कैसे सकते हैं ये लोग। वहीं इस दौरान रजत दलाल ने जो बात कही वो सुनकर तो कहीं ना कहीं आपको भी हंसी आ जाएगी। रजत ने कहा कि मेरा बैग जितना मन करे उतना खोल के आप संभाल लो, चेक कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन मुंह पे कपड़ा लगा लेना, नाक पे कपड़ा लगा लेना, क्योंकि मेरी बिना धोई हुई चड्डियाँ उसमें पड़ी है और उसकी स्मेल से आपको कुछ नुकसान पहुँच सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये बात बोली जो कि काफ़ी फ़नी थी। फिलहाल दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप अपनी राय भी हमें कॉमेंट करके बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।